क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साहब इजाजत है बिस्मिल्लाह जी। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباؤنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم إليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد میں نے بھی جو رکوع تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 تھا آیت 168 سے لے کے 176 تک سورہ بقرہ کی کا رکوع جو ہے نمبر 21 میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ تقی عثمانی صاحب یہ تفسیر سے پیش کر رہا ہوں اے لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہمارے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے تھے اور انہیں کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاتھ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے
ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर अदा की हैं उनमें से जो चाहो खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम सिर्फ उसकी बंदगी करते हो। उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सूअर हराम किया है, निज वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले जबकि उसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो ना वो जरूरत की हद से आगे बढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं बल रहे। कयामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मफरत के बदले अजाब की खरीदारी कर ली है। चुनाचा अंदाजा करो कि ये दोजख की आग सहने के लिए कितने तैयार हैं। ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक पे मुश्तमिल किताब उतारी है और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालफत का रवैया अख्तियार किया है वो जिद्दा जिद्दी में बहुत दूर निकल गए हैं। ये तो था तर्जुमा तकी उस्मानी साहब का। मैं चाहूँगा इसके मायने और क्या कहते हैं तशरीह करने से पहले इसका जो पस मंज़र है और जो सियाक व सबाक है वो ज़रा से मैं बयान करूँ। शौकत भाई अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सा रुकू है? रुकू है 21वां, आयत नंबर है 168 से 21वां की जरूरत होती है कि आदमी सियाक व सबाक को देखे और आयात हवाला दे तो जाके एक बात समझ में आ पाती है। लिहाजा ये सियाक व सबाक भी है, ये आयत जैसा कि आपको इल्म है कि सूरत जो है ये हिजरत के बाद पहली सूरत आयत भी मदीना है। तो अब तो मौका देखें, ये वक्त है ट्रांजिशन का, बड़ा मेजर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन हो रहा है मक्के से मदीना जा रहे हैं, सिर्फ ट्रांजिशन सफरी नहीं है बल्कि जो तालीमात है उसमें बड़ा है, बहुत बड़ा तब्दीली आ रही है। इससे कब इस्लाम का तारुफ करना मकसूद था, उस कौम में जो बुतों की प्रस्टिस करती थी वहाँ पे ईमान को वैदानियत को बताना मकसूद था। तो उस जमाने में इससे पहले जितनी भी आयातें आई हैं, जितनी भी वही आई है उसमें ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो की गई है ईमान की, अकीदे की, वैदानियत की, कयामत की, रसूल की, क्योंकि इन चीज़ों को वो लोग नहीं मानते थे। जजा और सजा की लीजिए, तो सारा मौजूद बयान जो रहा इससे पहले वो रहा उनको बताने का कि एक नया मजहब जन्म ले रहा है, नया मजहब क्या मजहब रिवाइव हो रहा है और उसका तारुफ करना मकसूद था उस कौम में जो कि इंतहाई बिगड़ी हुई कौम थी। तो सारे मौजूद वो थे और वहाँ जो और एक और बात जो थी इससे पहले की तमाम सूरतों में वो थे पुराने जमाने के किस्से वाकयात। वो इसलिए थे ताकि इनको सबक बताया जाए कि इनसे बेहतर, इनसे ज़्यादा ताकतवर, इनसे ज़्यादा मकबूल लोग जो थे उनके साथ क्या अंजाम हुआ जब उन्होंने अल्लाह की वैदानियत पर और उसकी बुतपरस्ती को नहीं छोड़ा, उनका अंजाम क्या हुआ। और उस पर जो सामईन थे, जो खातिबीन थे, वो कुफारे मक्का थे, मुश्किन मक्का थे। सही है यहूदी थे थोड़े बहुत, ईसाई थे, वो यहूदी कभी कभी उनको फौर मक्का को शकीन को उकसाते थे कि जाओ उनके बात करो इस्लाम के खिलाफ, लेकिन अक्सरियत जो थी वो थी वो सारे कुफार मदीन मक्का और मुश्किन मक्का, वो मुखातिबीन थे, वो सामईन थे और मौजू था जो मैंने आज किया कि ईमान का, अकीदे का, रसूल का, वैदानियत का, क़यामत का, जस्ट का।
उस पर पहले तो शुरू में छुपी तालीम दी गई और या छुपके अमल किया गया, बाद में बाकायदा खुलेआम हुक्म हुआ कि जाओ तुम इस्लाम का ऐलान करो। अब क्या हो रहा है हिजरत के बाद, अब हो रहा है ट्रांजिशन। अब यहाँ ये हो रहा है कि क्योंकि मजहब खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब इस कौम को उम्मत मुस्लिमा को तैयार किया जा रहा है इमामत संभालने के लिए। इससे पहले इमामत यहूदियों की थी वो अब खत्म कर दी गई। वो खत्म क्यों की गई? वो आखिर में उनकी नाफरमानी, उनका रवैया जो सुलू के साथ था, उनका इनकार था, उनका तकबर था। तो अब एक नई उम्मत को तैयार करना मकसूद है जो दुनिया की इमामत करेगी। लिहाजा अब जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ से आगे, वो पहली तो बात होगी कि इबादत की, ताकि आदमी अपने जाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे, दिली तौर पर उस ईमान का मुजाहरा कर सके। अब यहाँ गुफ्तगू होगी मदीना आने के बाद से इबादत के बारे में, रोजा, नमाज, ज़कात, हज की। और अब जो चीज है वो कौम को तैयार करना है, तो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे मामलात की, गुफ्तगू हो गई है इबादत की, गुफ्तगू हो गई यहाँ पे हुकूल इबादत की। यहाँ कौम को सिखाया जाएगा कि माशी निजाम क्या हो, यहाँ बताया जाएगा कि माशी निजाम क्या हो, समाजी निजाम क्या होना चाहिए, यहाँ के ऊपर बताया जाएगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हों, शादी ब्याह के मामलात कैसे हों, कारोबार लेन देन कैसा हो, सूद कैसा हो। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट मौजू है, लिहाजा जितनी ज्यादा जितनी भी सूरतें होती हैं उसमें शरीयत में यही मौजूआत हैं इसके मदीना आने के बाद से। दूसरी तब्दीली जो थी वो ये थी, यहाँ सामईन कौन है? यहाँ सामईन कुफार, यहाँ सामईन है जो है वो है यहूदी, क्योंकि वो वहाँ रूल करते थे, और यहाँ सामईन जो बड़ा नया ग्रुप आ गया वो मुनाफिकीन का है। तो अब देखिए वो माहौल बदल गया, मौजूआ बदल गए, सामईन बदल गए और मकसद बदल गया। पहले मकसद था इस्लाम को कायम करने का, तारुफ करने का, अब मकसद है एक उम्मत को तैयार करने का इमामत के लिए। तो लिहाजा इस लिहाज से ये चीज़ ध्यान में रखिए कि किस माहौल में ये सूरत जो है ये उतरी है। अब सियाक और सबाक की बात कर लें। जैसे मैंने किया कि सूरह बकरा पहली सूरत है जो मदीने में आई, मुफस्सरीन ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है उसमें जिक्र है अक्सरियत से, जरूर है ईमान ईमान का जिक्र है अक्सरियत से यहूदियों के बारे में, और ये बताया गया कि उन यहूदियों को क्या नेमतें दी गई थी, उन्हें क्या इज्जत दी गई थी, क्या मुकाम दिया गया था, और उन्होंने क्या किया, और जिसके नतीजे में उनसे इमामत के फराइज ले लिए गए। ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो है वो, क्योंकि अब एक उम्मत को तैयार करना है तो तरबियत देनी है, तो दूसरे हिस्से में मामला शुरू हो रहे हैं इबादत के, मामला के, अहकाम के, शादी ब्याह के, तलाक के, सूद वूद के। तो ये इसका जो है सियाक व सबाक है, ताकि लोगों को पता रहे कि अंदाजा हो जाता है कि आने वाली जो जो आयात सूरतें होंगी उसका मौजू जो है वो क्या होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी नजर जहन में रखे कि किस बैकग्राउंड के साथ जो है ये जो रुकू है वो क्या बयान कर रहा है। ये रुकू जो है ये दूसरे हिस्से का आगाज कर रहा है। अब आप अब हम आते हैं इसकी तशरीह के ऊपर। एक रुकिए मैं अब इसमें मौजूद जो होंगे, इस रुकू की बात हो रही है, इस सियाक व सबाक को ध्यान में रखते हुए इसमें बताया जा रहा है सबसे बहुत जरूरी चीज हलाल हराम, क्योंकि इस्लाम का मकसद सिर्फ ईमा कलमा पढ़ लेना ही नहीं है कि रोजे हमारी, बल्कि जब तक उसकी जिंदगी में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता मुसलमान नहीं हो सकता। तो बहुत ही बुनियादी चीज है हलाल हराम की। यहाँ गुफ्तगू हलाल हराम की हो रही है, बात तो हुई खाने की, लेकिन उसको आप एक्सटेंड करें तो आप मालूम होगा बड़ा वसी मौजू है ये। इसमें गुफ्तगू हो रही है शैतान के बारे में, और एक जो आर्गुमेंट था उन लोगों का वो ये था कि भाई हमारी आर्गुमेंट क्या, हम लोगों की फैमिली भी है,
कि सिलसिला चला रहा है वालदेन का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी अंधी तकलीफ नहीं है। हुक्म दिया जा रहा है कि हलाल खाओ और हराम को पहचानो कि हराम है क्या। और एक बहुत ही अहम बात जो ज़ुकूर के आखिर में कही गई वो है कि अल्लाह हुक्म में जो तब्दीली है, रद्दोबदल है, वो करने की सज़ा क्या है। ये इसके डिफरेंट मौजूआत हैं चीज़ें। अब आप आते हैं इसकी तशरीह, पहली आयत जो है ये है, या अय्युन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तैयबन, ए लोगों जो कुछ जमीन में हलाल पाकिजा है उसमें से खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, और शैतान के रास्ते पे ना चलो। ये दो चीजें जो हैं ये इसमें बताई गई हैं कि इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तैयबन, जो कुछ जमीन में हलाल पाकिजा है उसमें लिखा। हलालन लफ्ज हल से निकला है, लफ्ज हल के माने गिरा को खोलना। यहाँ मतलब है कि गिरा के खोलने के मतलब कि जो चीज इंसान के लिए हलाल कर दी गई गोया एक गिरा खोल दी गई, पाबंदी हटा दी गई। और तैयबन, तैयब के माने आपको सकता है पाकिजा है, पाकिजा से मानव नहीं बल्कि शरीय है, उसका हलाल होना भी दाखिल है और वो आपको मरबूत भी हो। इसकी जो वजह नजूल है जो लिखते हैं मुफस्सरीन कि मुशरिकीन ने अपनी तरफ से बहुत से जानवरों को हराम करार दिया था। अरब में ये रवाज था कि बुतों के नाम पे कोई जानवर वो छोड़ देते थे, जिसको ज़िबा करना वो हराम समझते थे। और ऐसी रवायात हिंदू में भी आज भी हैं, मसलन कोई जानवर बैल गाय या किसी छोड़ दिया या किसी एक कान चीर दिए ये फना बुद्ध या फना देवी का है, और वो जानवर जहाँ चाहे मुँह मारे उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है कि उनका गोश्त कौन खाएगा। तो अरब में भी यही रवाज थे और शुरू इस्लाम में क्योंकि लोग पहले काफिर थे, मुसलमान हुए, इन आयतों पढ़े हुए थे, तो उसके असर बाकी थे। और बड़ा मुश्किल था कि आबाओ अजदाद की जो रस्में हैं, जो रवायतें हैं, वो छोड़ दी जाएं। और उसके असर वैसे आज भी हमारे वहाँ भी हिंदुओं के असर मौजूद हैं। तो ये आए उन अरबों के लिए तो मुखातिब की गई है, तो मुसलमान हुए थे जिनके दिलों में झिझक थी, उनसे कहा जा रहा है कि मुशरिकाना तोहमात की बुनियाद पर मुशरिक बाप दादाओं ने अगर कोई चीज हराम ठहराया था और कुछ को हराम करार दिया था तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जमीन में पैदा शुदा चीजें अल्लाह की हैं, लोगों के नफे के लिए हैं और उनसे तुम्हारे फायदे के लिए है। हर खाओ इस्तेमाल करो, सिर्फ उन चीजों से बचो तो जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है, जिसकी वजाहत अभी आगे आएगी। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीजों को हराम करना कैसा है। देखिए इस आयत से बिल्कुल वाजह है कि अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम करार देना उसकी रज़ाकियत से बगावत है, उसकी रहमत से बगावत है। और यहाँ मैंने तो आदीस कोट की है और मेरी जो आदीस है वो लाल रंग में है, आया कुरान की जो ब्लू में पहचान रहे। तो इस आयत से मुताल्लिक हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि मैंने अपने बंदों को बातिल से बेताल्लुक पैदा किया, बाजू ने कहा हनीफ पैदा किया, मैंने अपने बंदों को बातिल से बेताल्लुक पैदा किया, फिर उनके पास शयातीन आए और उन्होंने लोगों को दीन से बहकाया और जो मैंने उनके लिए हलाल किया था उसको हराम करार दे दिया। ये तो इससे साफ जाहिर है कि अल्लाह की हलाल की भी चीज़ें हैं उसको अगर आप हराम करेंगे तो ये नापसंदीदा चीज़ है, ये गुनाह की बात है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि हलाल और तैयब से मुराद क्या है। हलाल और तैयब से मुराद वो चीज़ है जो बजात खुद भी हलाल हो, जैसे बकरे गोश्त वोश्त और खाते हैं सब्जी भी हो और हमें जायज तरीके से हासिल की हो, वो चोरी रिश्तेवारी डकैती हरकती हासिल न की गई है, वो चीज़ हलाल है, तो बड़ी अहम है।
एक और चीज से जाहिर होती है कि हलाल रिस्क, हलाल के फायदे क्या हैं और हराम रिस्क की मजम्मत क्या है। यहाँ मैंने तीन आदि जमा किए हैं ये बताने के लिए कि रिस्क हलाल से क्या फायदे हैं। पहली हदीस में हजरत साहब बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि ए रसूल दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाब दावत कर दे, यानी मेरी हर दुआ कबूल कर दे। यानी आप बताइए कि कैसे मुमकिन हो कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, ऐसा रजी अल्लाह अपनी खुराक पाक करो, हलाल करो, मुस्तजाब दावत हो जाओगे। तो दूसरी हदीस एक और है, हजरत अबू साद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने हलाल माल कमाया और फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना और अपने अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक यानी अहलो आयाल खिलाया पहनाया तो उसका यह अमल उसके लिए बायस बरकत और पाकीज़गी है। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि दुनिया मीठी और सरसब्ज है, जिसने इसमें से हलाल तरीके से माल कमाया और उसे वहां पे खर्च किया जहां खर्च करने का हक था, तो अल्लाह ताला उसे आखिरत में सवाब अता फरमाएगा, उसे अपनी जन्नत दाखिल फरमाएगा। और जिसने दुनिया में हराम तरीके से माल कमाया और उसे नाहक लगा खर्च किया, अल्लाह ताला उसे जिल्लत खारत के घर यानी जहन्नम में दाखिल करेगा। अब जाहिर है कि इन अहदीस को अगर सामने रखें, हर मुसलमान को चाहिए कि हलाल रोजी कमाए, हलाल रोजी ही से खाए और पहने, और इसी तरह दूसरों को भी जो माल दे वो माल हलाल हो। दूसरी बात भी यहाँ कही जा रही है वह बला तबीयत खुतुबात शैतान, और शैतान के नक्श कदम की पैरवी ना करो। क्यों? इन्नहु लकुम उदुवुन मुबीन, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान की पैरवी में जाहिर बुशिकाना तोहमात वहम रस्में जो हैं, जो वो अल्लाह ताला की हराम हलाल ठहराई हुई चीज़ों को हराम करार देना है, जो चीज़ें पाक साफ थी उनको क्या कहते हैं कि मना करना है, लिहाजा वो ना करना चाहिए। हुक्म लाए के बगैर तहरीन और तरमीम शिर्क है। चुनाचे खुदा के हुक्म के बगैर कोई तब्दीली हुक्म में तहरीम और तहरीर का शिर्क आ गया और उसको तो काफ़ी सख्त सजा है। मेरी साहब कुछ कहना चाहते हैं या सवाल बाद में कर लेंगे आप, अगर इससे मुताले को तभी कर लीजिए अगर ना बाद में कर लीजिएगा। जी ज़ुबैर भाई आपका ये जो अभी पढ़ रहे थे हलाल कमाई का जो है उसका जो है उसका बयान क्या है, हलाल कमाई का दो चीज़ें हैं, एक तो आपने मिसाल के तौर पर रिश्वत नहीं ली और बिल्कुल नेक तरीके से जो तनख्वाह वो कमाया उसको आप कहते हैं हलाल कमाई, यानी उसमें कोई बदी शामिल नहीं है, कोई बुरा काम शामिल नहीं है। मगर जो दफ्तरों में लोग 35 घंटे हफ्ते में काम करना है और वो अगर 25 घंटे काम कर रहे हैं बाकी वक्त फोन पे लगे रहे हैं, उसके मुताल्लिक क्या ख्याल है? वो भी हराम है। देखिए इसमें असल मेरी भाई अंडरस्टैंडिंग है, ये तो बात है कि जो काम जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी उसको आप बहुत ही असलूबी शेष ईमानदारी से पूरी करें, उसमें आप कोताही करते हैं तो ये लिबास के खिलाफ जाता है, उसको मैं हराम समझता हूँ। ये तसव्वुर नहीं है क्योंकि तो बहुत आम है चीज, मैं तो बता रहा हूँ कि वो आमदनी जो बगैर जो किसी की हद तल्फी से चोरी से बेमानी से अपना चालाकी हासिल की गई वो मेरे डेफिनेशन में हलाल की कैटेगरी में नहीं आती, और वो क्या पता है तो उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरे पास कंप्लेन आया करती थी कि भाई फला लोग जो है वो इतने घंटे वो इतने ही काम कर रहे हैं, टेलीफोन पे लगे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो जस्ट अ कमेंट। अच्छा शकत भाई, दो हजरात और हैं भाई, हिमायूं भाई और अनवर भाई, आप सवाल करेंगे अभी या आप आखिर में लेंगे, आपकी मर्जी है।
हिमायूं भाई जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक क्विक क्लेरिफिकेशन थी, आपने ये जो तीसरी हदीस पढ़ी है हजरत, जाइए इसके ऊपर। जी, सामने लेके लाने। हाँ, ये जो आपने कहा कि जिसने हलाल तरीके से बाल कमाया और उसे वहां खर्च किया जहाँ खर्च करने का हक था, अगर मैं उसे उल्टा कर दूं, हलाल तरीके से कमाया और उसे वहां खर्च किया जहाँ खर्च करने का हक नहीं था, नीचे आऊं, इसने दुनिया में हराम तरीके से कमाया और नाहक हक जगह पे खर्च किया, तो इसकी क्या सिचुएशन होगी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि पहले मान लीजिए कि जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया है, हमारी कमाई, हमारी उड़ा दिया। जी मैं इसको दूं, मेरे समझ के मुताबिक जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया है, हमारी कमाई, हमारे पैसे, हमारे, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने हमको दिया है, जरूर है कि हम उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें। अगर हमने कमाया जो जरूरतमंद था उसको जगह दिया, तो ये तीते से। लेकिन अगर हमने बेमानी से अल्लाह तीते से कमाया, तो उसको चाहे वो मेरे हिसाब से घूमना सही है, चाहे वो सही जगह खर्च करे, चाहे गलत जगह खर्च करे, वो गलत है, ये ऊपर आ चुका है ये। ठीक सर जी, माशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये कर रहा था कि आप कुछ ऐसी चीजें आउटलाइन कर दीजिए जो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रिश्वत वगैरह तो होती नहीं, तो इतनी ज्यादा नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत। तो और एक चीज का जिक्र जुबैर साहब ने किया था कि टाइम के वक्त पर्सनल टेलीफोन कॉल वगैरह का, तो पहले उसमें मेरा तो थोड़ा सा कमेंट ये था कि अगर किसी भी एम्प्लॉई को एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसने उसे डिलीवर टाइम पे कर दिया, तो उसके लिए वो उसका काम पूरा जो उसको पैसे मिले वो सही मिले, वो आवर्ली बेसिस पे नहीं आते। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कुछ ज़रा आउटलाइन कर दीजिए यहाँ पे किन चीज़ों को, थोड़ी सी डिटेल में, जिनको हराम की इनकम के ताल्लुक से या खर्च के ताल्लुक से वो हराम की कैटेगरी में आती है यहाँ के हिसाब से। बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह उसको आगे में कर लूँगा। थैंक यू बस बिल्कुल मतलब पहले बात बिल्कुल सही मैं कर लूँगा जी। जनाब इजाज़त है? जी ज़रूर। अगली आयत है, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए वल फाशा है, वो तो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई हुक्म देगा, वो अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और उन बातों को हुक्म देगा जो कि तुमको मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज है जो शैतान के हुक्म के बारे में, शैतान हुक्म समझा दिए कि शैतान दिलों में डालता है वसवसा डालना कहते हैं। एक बड़ी अच्छी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है, ने फरमाया कि आदम के बेटे के कल्ब में एक शैतानी इलाम असर होता है, दूसरा फरिश्ता, यानी हर इंसान के दिल में दो तरफ से वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, एक शैतान की तरफ से को शैतानी इलाम कहा जाता है और एक फरिश्तों की तरफ से। शैतानी वसवसा का असर ये होता है कि बुरे काम करने के फवायद बताते हैं, तो बताया थे फायदे क्या हैं, और बड़ी रगबत देता है। और ये आपने कुरान की और तो भी आवाज है कि शैतान आपके गलत कामों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करता है, आपका दिल लगाता है। ये अपना यही जो बात की जुबैरी साहब ने कि भाई बैठे हुए हैं और वक्त जाया कर रहे हैं और आपका पेमेंट हो रहा है और भी बात, तो शैतान आपको क्योंकि पकड़ नहीं हो रही है, तो आपको शैतान बता रहा है, फायदे बता रहा है, दे रहा है। दूसरी तरफ जब जमीन कहते हैं अपना, वो आता है कि फरिश्ते का असर जो बताता है नेकी क्या है, इसमें करने नुकसान क्या है, फलाह बहबूद क्या है, ये तो बेहतर दोनों बातें साइंस। अब ये बात होती है आदमी के ईमान की, उसके तकवे की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की, कि वो किसके असर में आता, और यही दरअसल इम्तिहान है। इसी इम्तिहान के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। शैतान अपना काम करता है, फरिश्ता वो बता रहा है जो कि हमें तालीम तरबियत दी गई है, जो हमारा मजहब कह रहा है, इसी कशमकश दौरान में
सही रास्ते को चूज करना ही जो है आखिरत की कामयाबी भी है और यहाँ की कामयाबी भी है। हमारी दुआ ये है हमें अल्लाह के आगे से दोस्त मिल जाए ताकि हमें अच्छा मुताला कर सकें, अच्छा घराना मिले, अच्छे क्या कहते हैं कि दोस्त मिले। देखिए शैतान का काम ही ये है कि वो लोगों को बुराई की तरफ बुलाए, कुफ्र और शिर्क की तरफ लाए, अल्लाह ताला से मुताले गलत अकायद मंसूख करे या उसकी हलाल करदा को हराम करे और हराम को हलाल की तरफ रागिब करे। बुरे काम मसलन झूठ, गीबत, चुगली, बदखलाफी, बोतान, लड़ाई, फसाद, बुस, कीना, नफरत, अदावत, जग जदल, इल्ज़ाम तराशी और बेहाई काम, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, चीज़ें, नाजायज ताल्लुकात, बुरी नीयत से देखना, छूना, बदकारी करना, ये सब की तरफ शैतान बुलाता है। आज का अफसोस ये है कि इस माशरे में कुछ तो माशरा ऐसा हुआ है, कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को, अक्सर लोगों को इस तरफ रग़बत दी जाती है अपने इस नाम पे किताब ये रस्में हमारी है, ये चल रहा है, ये माहौल ऐसा है, तो ये एक डिफिकल्टी है इस माशरे में कि हमें ज़रा सा अपने को कंट्रोल करना होता है क्योंकि मौाक़े ज़्यादा हैं। लेकिन बात ये सारे शैतानी शैतानी अमल है उनके लिए, लिहाजा अल्लाह हमें तौफीक दे इससे बच सकें। अगली आयत है وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ داداؤں کو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہاں اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہاں کیا ہے جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ توحید اور قرآن پہ ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تو مشرکین کا ایک ہی جواب دیتے ہیں ہم تو اس راہ اور رسم اور طور طریقے پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے تھے نہ رائے راست لاتے تھے تو ان کی پیروی کرو گے؟ اگر تمہارے باپ دادا ہر چھ مہینے کے بعد خودکشی کرتے تو ان پہ خودکشی کر لیتے، ان کو فالو کرتے؟ تو اس آیت سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جس طریقہ، ایک بات اور بھی اچھی اس آیت میں نقطہ اور بھی ہے کہ جس طرح باپ داداؤں کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت کی گئی ہے وہی بڑی جائز تقلید اور اتباع کی شرائط اور بتایا گیا کہ کہاں تم ان کی اتباع کر سکتے ہو، کہاں نہیں کر سکتے۔ وہاں دو الفاظ ہیں لا یعقلون لا یهتدون، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر آبا اور داد کی تقلید اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے انہیں نہ تو عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام جو اللہ کی طرف سے صحیح طور پہ نازل کیے گئے ہیں، اور عقل سے مراد کی سمجھ نہیں تھی۔ لہذا ایسی صورت میں وہ معاملات جس میں کوئی سند نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، وہاں پہ اتباع منع کی گئی ہے۔ لیکن شریعت میں باپ دادا کی پیروی کا ذکر آتا ہے کہ مگر اس حالت میں کہ مطلب ایک حدیث ہے کہ گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، گمراہ باپ دادا جن کو عقل نہیں تھی نہ ان کو ہدایت تھی، یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ وہ بہت میں حدیث اللہ تعالیٰ کی فرمان نہ فرمانے کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یعنی باپ دادا کچھ بھی کہیں ان کی اطاعت اگر وہ اللہ کی اطاعت سے روک رہے ہیں تو وہ اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ مسلم ایک حدیث ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ شادی بیاہ ہر موقع پہ یہ ہمارے باپ داداؤں میں یہ رسم رواج تھی، یہ سلسلہ غلط ہے، یہ رسم رواج ہونے کی وجہ سے یہ مان لینا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ میں ابھی آتا ہوں صاحب بھائی تمہیں، تو خلاصہ ہے مگر باپ دادا کی پیروی آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو سورہ یوسف ملے گی۔ سورہ یوسف میں ایک آیت تھی
मैं अपने बाप दादा इब्राहिम इसहाक याकूब के मजहब का ताबे हो गया हूँ। हमें ये जायज नहीं कि उनके साथ किसी को भी शरीक करें। ये हम पर और सब लोगों पर अल्लाह का फर्ज है। लेकिन बहुत लोग यानी यहाँ पे यूसुफ कह रहे हैं कि मैंने अपने बाप दादा की पैरवी की, उसकी इजाजत दी गई। यही नहीं, सूरह तौबा में वो है वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ जाओ। हम और आप रोजाना हर नमाज में पढ़ते हैं सिराते लजीन अनंत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पर तूने इनाम किया। मकसद कि बाप दादा की पैरवी उन कामों में जो कि सही हक है करना जायज है, वो काम जिसके अंदर क्या कहते हैं कि जो मजहब के खिलाफ हो, जिसका कोई सबूत ना हो, वो नाजायज है। तो जी 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 भाई साहब सवाल ले लें। जी मैं कह रहा था कि ये जो बाप दादा का है मामला, ये तो अब भी वही है। अगर बाप शिया था तो बेटा भी शिया है, अगर बाप देवबंदी है तो वो बेटा भी देवबंदी है, बाप बरेलवी है तो बेटा भी बरेलवी है। तो मैंने अभी अभी क्या अर्ज किया कि बाप दादा की पैरवी करना उन चीजों में जो कि शरीयत के खिलाफ है वो गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप हम जो है तो बाप दादा का जो बयान कर रहे हैं उसमें अगर बाप हम बरेलवी था फिर उसको फिक्र का जो भी, और हम मैं बेटा जो है वो भी बरेलवी हो जाता है। बहर ये तो एक अब तो आप रिज्यूम कर रहे हैं कि बरेलवी गलत है और फलां सही है, ये एक अलग बहस है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हर वो इबादत हर हुक्म जो कुरान सुन्नत के खिलाफ हो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं जा रहा कि कौन सही है कौन गलत है, बरेलवी है वहाबी है। नहीं मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें लिखा है उसी हिसाब से तो हम भी वही कर रहे हैं जो आज से 1500 साल 1400 साल पहले हो रहा था। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जो मजहब और सुन्नत के खिलाफ है तो सही है, और अगर हम समझते हैं कर रहे हैं तो अपनी सलाह करना खत्म। बस शुक्रिया जी अकरम साहब। भाई मैं जुबैरी साहब के ही सवाल को जरा उसके टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 70 साल जब मतलब हम जिस ब्रैकेट के अंदर हैं और जब हम लड़कपन में हमारे तो हम जो पैरवी वही किया करते थे हम सब के घर में, मुझे और पता नहीं लेकिन हम सब के घरों के मोस्टली घरों के अंदर जो है चैलम भी हुआ करता था, कुरान खानी भी हुआ करती थी, स्वयं भी हुआ करता था, सारी की सारी चीज़ें थी। और अब देखते 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 ही जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं। तो क्या वो मेरा वो गलत करना जो था उसको कहाँ प्लेस करेंगे आप? वो 1400 साल वाली बात पे ना जाइए, बल्कि शिर्क वाली बात पे ना जाइए, बल्कि मैं दूसरी बातों की बात कर रहा हूँ। इनको कहाँ प्लेस करेंगे आप? बाकी मतलब इस सवाल के जवाब देने का मैं अहल नहीं हूँ, ये तो फतवे की बात है, इल्मी बड़ा मौजू नहीं है। लेकिन मेरी जो समझ है वो ये है, मेरी समझ ये है कि हर वो काम को हम पहले क्या करते थे, अगर हमें समझ और तालीम आ गई है तो वो आनी चाहिए हमको कुरान को पढ़ के तर्जुमे से, हदीस को पढ़ के सही हदीस को। हेलो जी, तो मैं समझता हूँ अगर उसकी रोशनी में हम समझते हैं कि वो अमल सही थे तो हमने सही किया होगा, हम समझते हैं वो चीजों को समझ नहीं मिलती तो हम अल्लाह तौबा कर लें आइंदा ना करें, ये मेरी सोच है। चलिए ठीक है, चलिए सही, मुझे इजाजत है कुछ अर्ज़ करने की? जी मुझे इंतजार था आपकी इजाजत को लेने का। जी नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप ये चीज नहीं मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर रहा था कि देखिए इसमें सीधी सादी सी बात है, हमारे पास एक बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी इनायत की हमारे पर कि वो किताब हिदायत जो हमारे लिए नाजिल की है वो महफूज तरीके से हमारे पास मौजूद है, और वो किताब हिदायत जो है वो वाज़ह तौर पे हमें ये बता देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें ये कहना है कि साहब हमारे बाप दादा ऐसा करते थे या हमारे घरों में ऐसा होता था और पहले होता था 70 साल पहले 50 साल पहले और अब नहीं होता, तो जाहिर अगर पहले होता था और अब नहीं होता तो क्यों नहीं होता? सिर्फ इसीलिए कि लोगों की निगाह उस किताब हिदायत तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच गई है और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है
कि इस बात का तायुन कि क्या बात सही है क्या बात गलत है वो मेरी राय या आपकी राय या आपके बाप की राय या मेरे बाप की राय जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि ये किताब जो आपके सामने मौजूद है इसमें क्या लिखा हुआ है। अब मैं उस पर अमल कर सकूं न कर सकूं उसके मामले में तो अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो उसका सवाल जवाब जो होगा वो तो सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि हिदायत तो मौजूद है और माफी अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं आपकी आवाज जो है काफी तो गूंज भी रही है और थोड़ा दूर भी है। तो मैं कह रहा रशीद भाई बहुत शुक्रिया आपने अच्छी वजाहत कर दी। बात यह है कि अगर हम आज हमें यकीन आ जाए कि हमने ये गलत की थी तो हमारा जरिया बड़ा आसान है कि हम तोबा कर लें और अंदर ना करें। बाकी तो शौकत भाई एक काम ये कीजिए कि करीब भी आ जाइए तो उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अफसर खालिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। खालिद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में बस सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने सवालात में फ़िक़ही इख्तलाफात और इख्तलाफ़ अदियान इनको गड़मट कर दिया है। तो असल चीज़ तो ये नहीं है। फ़िक़ही इख्तलाफ आपकी फ़िक़ अलग कहती है मेरी फ़िक़ अलग कहती है ये इसी इस्लाम के दायरे में ही है। हाँ इख्तलाफ़ अदियान का अगर सिलसिला हो तो बाप दादा की तकलीद जो है वो हराम है फिर इस सिलसिले में। बस यही कहना था मुझे। सही बात है। मखाल उसका हवाला मिल जाएगा कुरान और सुन्नत से जो आप कह रहे हैं। नहीं खालिद साहब बात दरअसल ये है कि फिक्ही इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। ये मतलब मेरे बाप दादा भी उसी फिक्र के ऊपर थे जिसके ऊपर के मैं अमल कर रहा हूँ। तो अभियान वाली बात तो नहीं हो रही है। बात तो हो ही रही। देखे फिक्ही इख्तलाफ में तगैर आता रहता है और अगर मेरे बाप जो है वो मतलब अगर फिकही मसलक के हामी थे और मैं अगर फिलहाल हम्बली फिक्र को फॉलो कर रहा हूँ तो ना वो इस्लाम से खारिज हुए ना मैं इस्लाम से खारिज हुआ। नहीं नहीं मैं तो चले छोड़ दीजिए। मैं खास मुनासिब ले रहेगा डिस्कशन के ऊपर। चलिए आगे चलिए भाई। वो कोई अबरार साहब का कोई मैसेज आया था हुसैन जरा उनसे पूछ लो क्या कहना चाह रहे थे। जी वो ये कह रहे थे कि रशीद भाई ने उनका जहन पढ़ लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे अबरार साहब। बात करें साहब आप मैदान में आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कह रहा था कि जो मैं कहना चाह रहा था वो आधे रास्ते से राशिद भाई ने पकड़ ली बात और उन्होंने वो तफसील से और बहुत अच्छे थे बहुत अहसन तरीके से बयान कर दी। मेरा मकसद भी यही था कि मैं यही बात बयान कर दूं। शायद मेरे बयान करने में वो बात ना होती जो राशिद भाई ने कह दी। जज़ाकअल्लाह राशिद भाई। जज़ाकअल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। शौकत भाई आप प्लीज। शुक्रिया। अगली जो आए थे मसलिल्लज़ीना कफरू का मसलिल्लज़ी यनकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआउन व निदाउन सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। और काफिरों की मिसाल शख्स की तरह है। नहीं आ रही काफिरों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो किसी ऐसे शख्स को ऐसे को पुकारे जो खाली चीख पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये कुफार बहरे गूंगे अंधे हैं ये समझते नहीं हैं। बात ये है कि हुजूर हमारे मुसलसल काफिरों को दीन हक की दावत देते रहे। काफिर सुनते तो थे लेकिन इससे कुछ नफा हासिल ना करते यानी ईमान न लाते। वो लोग अक्ल बसीरत से काम लेने के बजाय अंधे बहरे होकर महज बाप दादा की तकलीद पे अड़ गए। उनकी तशबीह इन जानवरों को दी गई है। जिस तरह जानवरों का एक रेवड़ हो और उसका मालिक उन्हें आवाज़ दे तो महज एक आवाज़ सुनते हैं लेकिन सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी होते हैं। मालिक के ये कलाम को मफहूम नहीं समझते। यही हाल जो है हमारे क्या कहते हैं कुफारों का है कि वो सुन तो रहे हैं लेकिन लेकिन मतलब आपकी आवाज सुनते तो हैं मगर बहरे इसलिए हैं कि आपको समझ नहीं पाते। गूंगे इसलिए हैं कि उनकी जबान से हक निकलता नहीं है। अंधे इसलिए हैं कि आपको देखने से आजिज़ हैं।
और बेअकल इसलिए है कि दावत हक और दावत तौहीद और सुन्नत समझने से कासिर है, यानी ये कुफार दरअसल बहरे हैं जो हक बात बिल्कुल नहीं सुनते और गूंगे हैं जो हक बात नहीं कहते। तो ऐसे आँख नाक कान जबान का क्या फ़ायदा जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। चीज़ इसमें मैं समझता हूँ एक दर्श हमारे लिए है जिसमें मैं पहले शामिल हूँ कि जितनी महफिलें होती हैं दर्श की और जो जिसमें हो रही है कि तारी महफिलें जो हैं दावत तबलीग वाज नसीहत कुरान हदीस की गुफ्तगू होती है, अगर हम इससे कुछ हासिल नहीं कर पाते उसका असर हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तब्दीली नहीं आ पाती तो फिर हमारे इस आँख नाक कान सुनने का फ़ायदा क्या, हम उनमें फ़र्क क्या है। ये मैं सोचता हूँ कि एक दस हमको भी अपने गिरफ्तार में मुझे भी डालना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस महफिलों में मैं आ रहा हूँ अगर इस महफिल से मैंने कुछ हासिल नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो समथिंग रॉन्ग। जी अनवर इकबाल साहब सॉरी मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असर पड़ा, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं मैं इतने अरसों से महफिल में आ रहा हूं और अपने साथ साथ आपको भी शामिल करता हूं, जहां अपना जाती मफाद मैंने देखा है अपने लोगों में जब जाती मफाद आता है तो वो बिल्कुल दूसरे बन जाते हैं और वैसे दूसरी बातें करते रहते हैं, ये मैंने ओवर एंड ओवर देखा है तो बस मैं यही बता सही सही मगर इससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा इससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा सही। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। एक मिनट शौकत भाई मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, बात यह है कि बात बड़ी अच्छी कही कि जहाँ ज़ाती मफाद आता है वहाँ हम मतलब ये कि वो कर जाते हैं जो मतलब हमें अच्छा लगता है अपने मफाद के एतबार से, बात आपकी ठीक है, लेकिन इस दर्स की महफिल का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि किसी तरह से कान में ये बात डाल दी जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी ये है कि अमल आप या कोई शख्स मैं या आप या हम में से कोई या हम सब में से बाहर का कोई आदमी अमल कोई शख्स अगर जानते बूझते हुए गलत करता है तो जाहिर है मतलब उसका सवाब अजाब उसके जिम्मे। हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस महफिल में अल्लाह ताला की किताब पढ़ के और ये समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल बजा फरमाया रखी साहब आप और मैं एक ही किश्ती में, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा था और उसमें मुझे जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं है बताते में और ये मैं मिसाल लेफ्ट एंड राइट कमेंट ही कर रहा था बात कि नहीं आप सही कह रहे हैं थैंक यू। देखिए मैं जैसे कदम बखल आप दोनों सही कह रहे हैं, रशीद साहब का कहना यह है कि महफिलों का मकसद ये है कि आपको इल्म दे दी जाए बिल्कुल सही है, मगर हमारा इस महफिल में आने का कि दो मकसद हैं, एक इल्म ले सकें और दूसरे उस पर अमल कर सकें, अगर हम अमल नहीं कर पा रहे बकौल अनवर साहब के और सही कह रहे हैं तो हमें उनके लिए कहा जाए कि वह बहरे हैं गूंगे हैं अंधे हैं हमें उनमें भी क्या फर्क रह जाता है, समझ रहे हैं और बात समझ में आती है कि ये सही और ये गलत है और फिर भी हम गलत किए जा रहे हैं अमल में फर्क नहीं पड़ता, बात ठीक है कि हमारा आना एक तरह से एक एतबार से बिल्कुल फजूल हो जाता है, लेकिन बात यह कि एक बात एक सूरत ऐसी है कि आप जानते बूझते हुए गलत कर रहे हैं और एक चीज ये है कि आप लाइल्मी में गलत कर रहे हैं और लाइल्मी भी ऐसी जो आपने ऊपर खुद लाद ली है, यानी अगर पढ़ते नहीं है तो इसका ये मतलब यह है कि आपने लाइल्मी को लाद लिया है अपने ऊपर। तो बात यह कि अब अगर अमल में फर्क नहीं पड़ रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कोशिश कीजिए तौफीक दे वो हमें, हम इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते ना सिवाय इसके कि हम या तो दुआ करें या कोशिश करें या दोनों करें या दोनों करें। नदवी साहब ने बताया था जाहिलों की किस्में तीन किस्में जाहिल की होती है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ चलिए छोड़िए। मैं रिजवी साहब मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है इसके ऊपर, मुझे ऐसा तासर मिल रहा है कि साहब हम सब हम जो हमारा इस 20 साल के अंदर आना जो है वो जाया हो रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है, इक्का दुक्का चीजें हमें से
हर शख्स ने हासिल की है और हमसे दुआ ये करनी चाहिए अगर वही हमने हासिल कर ली तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र करें, उसी पे उस कम से कम उसको ही जारी रखें। लेकिन तासुर ये भी नहीं जाना चाहिए कि ये सारा का सारा जो है सिलसिला ला हासिल है। बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सच्ची बात मैं बताऊं, ईमानदारी की बात, ये बात कहने की तो अपनी जगह है, लेकिन मैं तो इस दर्श में तकरीबन 22-23 साल से मुसलसल शिरकत कर रहा हूं और मैंने लोगों के अमल में भी फर्क देखा है बहुत वाज़े। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मकाम है। बहरहाल सही बात है, मैं अकरम भी सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं तो सिर्फ एक कुछ ऐसी दूसरे अल्फाज में समझिए कि मैं एक भाई इंसानी कमजोरियां आपने देखा है, मैं कहीं इंसानी बता रहा था मैं। जी जरूर प्लीज। मैंने पढ़ा ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुतरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। देखिए अल्लाह ताला ने हमें खाने से मना नहीं फरमाया और बार बार कहा कि बार बार जिक किया है रिश्ते लाए का। अच्छा यहाँ में क्या और रिस्क के मायने से यहाँ तो बात हो रही है खाने के, रिस्क में हर चीज शामिल है। इसमें खाना, कपड़ा पहनना, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, हर चीज जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है वो सभी रिस्क का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, और वहाँ सबके लिए गुफ्तगू हो रही है, उस सबको आप हलाल तरीके से हासिल करें, उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये आयत जो है ये मुसलमानों से मुखातिब करके, क्योंकि ये वो मुसलमान हैं जो अभी इस्लाम लाए थे, उस माहौल में रह रहे थे और सदियों से उनके आबा अजदाद डिफरेंट चीजें कर रहे थे। तो बात ये है कि और तो कोशिश ये थी कि वो अपनी बिदात पे रस्मों पे रहें, उन पर पाबंदी ना हटाई जाए। अल्लाह फरमाता है कि नहीं भाई, हर पाकीदा चीज को खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है, और फिर कहा अगर तुम उसके बाद तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके शुक्रगुजार बंदे बनना, उसके बख्शे हुए रिस्क, उसके चौपाओं और किसी भी की नस्बत से उनको हराम ठहराना खुदा की बंदगी के मुनाफी है, उसकी शुक्रगुजारी के लिए। तो मुसलमानों को खासतौर से ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, खाने के पीने का मामला बिलखसूस जबकि ऐसे चीजों के खाने का मामला हो जिनको पुराने जमाने से मजहबी तकद्दस की बुनियाद पर हुरमत के दर्जा दिया हो, तो उस बार ना खाते हों क्योंकि उनका फरीदा मजहबी अकीदा था, तो वह एक बड़ा नाजुक मामला था। और इस तरह के मामला में इंसान को शक्की और बहमिश आता है, खाऊं नहीं खाऊं, रवायत के खिलाफ काम करूं ना करूं, तबीयत मायल नहीं होती है, एक होती है झिझक। और बाद लोग समझते नहीं ये तो तकबे और दीनदारी खिलाफ है। तो शुरू में यह हालत कुछ मुसलमानों को पेश आई, उस पर अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए रहनुमाई फरमाई कि नहीं, हर वो चीज अल्लाह ने पैदा की है सिवाय उन चीजों को जिसका जिक्र अल्लाह ने किया और उसके रसूल ने किया, तुम पे हर चीज जो हलाल है उसे खाओ, उसकी शुक्रगुजारी करो। और यही बात आपको सूरह मोमिनून में मिलेगी, सुतरी चीज खाओ, अच्छे काम करो, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम करते हो। और इसी बात का जिक्र सूरह मायदा में भी है कि ए ईमान वालों, सुतरी चीजों को हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह के रिस्क में से जो चीज हलाल सुतरी हो खाओ, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। एक और आयत सूरह आराफ में है, कह दो अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया है जो उसने अपने बंदों के वास्ते पैदा की है, किसने खाने की साफ सुथरी चीजें हराम की हैं। कह दो दुनिया की जिंदगी में नेमतें असल में हैं, ईमान वालों के लिए हैं, कयामत के दिन खालिस उन्हीं के लिए हो जाएंगी। तो इस तरह से हम आयते मुफस्सल बयान करते हैं उनके लिए जो समझते हैं। और एक और इसमें आयते सूरह नहल की, फिर तुम्हें जो अल्लाह ने हलाल तैयब रोजी दी है उसे खाओ, अल्लाह के शुक्रगुजार खाओ, अल्लाह के एहसान का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसी को पूछते हैं। यहाँ पे मैं हदीस लॉन्गेस्ट के हवाले से मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये कि कबूल दुआ में हलाल खाना जरूरी है,
और हराम मना किया गया, यानी दुआ कबूल नहीं होती है अगर आपके खाने में और आपकी जिंदगी में, आपके सहूलतों में, आपके ऐशों में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, वो अगर हलाल तरीके से नहीं आई हैं, तो उस अल्लाह के सामने गड़गड़ाने से या अदब कहने से जो है ये खाना जो है ये सब हराम है। अल्लाह उनका लिबास हराम है, उनकी ग़िज़ा हराम है, उनकी इन हालात में उनकी दुआ कैसे कबूल होगी? ये सही मुस्लिम तिर्मिज़ी की हदीस थी। तो लिहाजा सबक इसमें यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो तो हमारी ज़िंदगी में हलाली होना चाहिए, चाहे वो मामला खाने का हो या दूसरे मामला का हो चीज़ें। अगली आयत जो है ये बड़ी अहम आयत अब शुरू हो गई है इसमें कि इन्नमा हर्रमा अलैकुल मैता व दम्मा व लामुल खिंजीर व मा आलैहि बिही लग़ैरिल्लाह फमिस्तुलु गैरा बागुन वला आदिन फला इस्मु अलैहि इन्नल्लाह गफुर रहीम। उसने तुम पे सिर्फ मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिसके ज़िबा के वक्त गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो, कि जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो ना जरूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है। देखिए ये बहुत ही अहम आयत है कुरान पाक की, जहाँ हलाल हराम के बारे में वजाहत की जा रही है। और यहाँ जावेद भाई का सवाल है, ये समझिए ऐसा सवाल या राय है जावेद भाई, ये अलग सवाल कर रहे हैं राय दे रहे हैं? शौकत भाई आपने अभी हदीस पढ़ी है तो इसको जरा से ऊपर ले जाएंगे आप? जी जी, इस पे तो पूरा एक दर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इतनी वुसअत है इस बयान में, यानी ये जो है ये जो ऊपर थी जी, ये जो है इस तरह कबूल दुआ, यानी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत ने फरमाया कि इसमें के अगर ये चीजें होती हों तो दिस इज तो बहुत ही हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है और ये हमारा अपना सेल्फ असेसमेंट है। ये जिस अंदाज की हदीस है ये तो अल्लाह तो अल्लाह जी आपका इमाम जी हाँ अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। शौकत भाई वो जो आयत है इसके बाद जरा उस पे लेके जाएंगे स्लाइड को, कौन सी आयत आगे वाली आने वाली है हराम हलाल की या किसकी? ये जो अभी आपने पढ़ी थी यही वाली, यही मैं इस पे आता हूँ, मैं तो बयान करता हूँ मैं भी, रुक जाइए या कोई सवाल आपका है? मैंने भी बयान मुझे मेरा सवाल इस पे ये था कि जैसे इसमें लिखा है कि गोश्त और वो जानवर हराम किए जिसके ज़िबा के बाद गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह का नाम वो तो खाएं? ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हम किसी एक आयत से कंक्लूड नहीं करते, इस सिलसिले में और भी आयात हैं और भी अहकाम हैं सूरह अनाम में और माईदा में, उसको मिला के देखते हैं। ये एक अलग वैसे में भी आता हूँ मैं आता हूँ पहले। ठीक है जज़ाकअल्लाह जी जनाब जी मॉडल साहब आगे चलूँ मैं? शाम ने सवाल किया वो भी मेरा वही था, उन्होंने कर दिया। मैं आत्मा चलिए आप आगे बढ़िए। देखिए तर्जुमा है कि उसने तुम पे से मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त वो जानवर हराम किए हैं जिसके ज़िबा के बाद गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया तो जो मजबूर हो जाएगा, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला है ना जरूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। देखिए यहाँ पे तस्वीर की कोशिश देखिए, उन मखसूस जानवरों के तमाम के नहीं, उन मखसूस जानवरों की इल्लत हुरमत का बयान किया गया है जिनके बारे में मुश्रिकीन मक्का के मुश्रिकाना अकायद थे, वो ये हरकतें करते थे, उसका जिक्र है। ये इशारा उन चीज़ों की तरफ है जो असल में मिल्लत इब्राहिम में हराम ठहराई गई थी जी, और जिन्होंने जानवरों को हराम समझ रखा था, जैसे वो जानवर बहिरा, यानी वो जानवर जो कि किसी बुत के नाम कर दिया गया हो उसको शायद बहिरा कहते थे, उसको नहीं खाते थे। यहाँ मकसद हरगिज
इस एक आयत में हलाल हराम की लिस्ट भी पेश करना है, वो आगे आएगी, वो मिलेगी आपको। ये तफसील नहीं है बल्कि सिर्फ मुश्रिकीन की तरदीद है कि उन्होंने अपनी मुश्रिकाना तोहमात की बिना पर मुख्तलिफ चौपाओं में से बास को उन्होंने हराम करा दिया, तो ये बिल्कुल बेसनद बात है। देखिए इसमें एक आयत है सूरह इनाम की जो मैंने उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने हुजूर से कि तुम हुक्म दिया कि आप ऐलान कर दें कि मेरी वही में बजुस उन चंद चीजों के जिनका जिक्र आगे किया गया है कोई चीज हराम नहीं है। ये बिल्कुल, तो इससे ये कंक्लूड करना कि बस यही हराम है ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इस आयत में जिन चार चीजों का जिक्र किया गया है वो क्या है? मुर्दार, खून, खंजील का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम पे जिबा किए जाने वाला जानवर है। मुर्दार किसे कहते हैं? जो हलाल जानवर, जो हलाल जानवर बगैर जिबा किए जाए या उसको शरी तरीके के खिलाफ मारा गया हो, या मसलन अगर मुसलमान या किसी और साहब के हाथ में जिबा किया हो या जानबूझकर तकबीर पढ़े बगैर जिबा किया गया हो या गला घूट कर या लाठी या पत्थर मार के हलाक किया गया हो या बुलंदी से गिर के मर गया हो या किसी जानवर ने सींग से मार दिया हो, किसी दरिंदे ने हलाक कर दिया हो, उसे मुर्दार कहते हैं, उसका खाना हराम है। और जिंदा जानवर वो भी जिसका कोई वजू काट लिया गया हो तो आपका टांग वांग वो भी हराम है, मना हुई मुर्दार की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हदीस में दो असूल बता दिए गए थे कि जिसमें वो जानवर जो कि अपने दांतों से, वो दरिंदा जो कि अपने दांतों से शिकार करे जैसे जुनाब कहते हैं, या वो परिंदा जो शायद जो मुखलब कहते हैं जो पंजे से शिकार करे वो हराम है। आगे हदीस मिलेगा गधा है कुत्ता है ये हराम है। मुर्दार में सिर्फ दो चीजों की इजाजत दी गई है, एक मछली की और दूसरे टिड्डी की। तो मुर्दार की कैटेगरी में इससे सवाए चंद चीजों के बाकी चीजें जो है वो इसमें नहीं आती हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि जो दरिया के शिकार है, जो समुद्री चीजें हैं उसको भी हलाल कर दिया गया है। लेकिन मुर्दार के हवाले से एक चीज एक आयत है कि मुर्दार का ये जो पार्ट्स हैं चमड़ा उमड़ा खाल वगैरह बाल सिंह ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसका सबूत ये है कि सूरह नहल की एक आयत है कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए आराम की जगह बनाया है और तुम्हारे लिए चार पाओ की खालों से खीमे बनाए जिन्हें तुम अपने सफर और क्याम के दिन हल्के पाते हो, भेड़ों की ऊन से और ऊंटों के लोगों और बकरियों के बालों से कितने ही मुसलमान और मुफीद चीजें बनाते हो। यहाँ ये मालूम हो रहा है कि ये मुर्दार जानवर की जो है ये जो पार्ट्स हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चीजें। दूसरी चीज जो जिसका जिक्र किया गया है वो है खून। अच्छा, खून हर जानवर का हराम है जबकि वो बहने वाला खून हो। सूरह इनाम की आयत है कि कह दो मैं इस वही में जो मुझे पहुंचती है किसी चीज को खाने वाले पर हराम नहीं पाता जो उसे खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून या सुअर का गोश्त कि वो नापाक है या वो नाजायज जबिया जिसपे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, तो जिसपे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, फिर जो तुम्हें भूख से बेख्तियार हो जाए, तो ऐसी हालत में न बगावत करने वाला न हद से बढ़ने वाला वाला हो, तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ खून के हवाले से बता दिया गया कि जो बहता हुआ खून है वो हराम है, लेकिन जो खून लग जाता है वो नहीं है। और हदीस में दो खून को अलाउ किया गया खाना, एक कलेजी और एक किल्ली, ये खून के हवाले से था। तीसरी चीज जो कही गई है खिंजीर यानी सुअर, ये जो है नजसुल ऐन है, ये तो बिल्कुल मना है कि इसका गोश्त पोश बाल हड्डी खाल पटे खाऊ सब हराम है, उसकी किसी चीज को काम में लाना नाजायज है। चाहे आप खिंजीर को जिबा भी कर लें तो वही पाक नहीं हो सकता। यहाँ पे तो सिर्फ गोश्त किया गया गोश्त का, लेकिन हदीस से मालूम होता है इसकी हर चीज जो है वो
बिल्कुल आराम से उसका इस्तेमाल करना, और हमें स्पेशली यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा जैकेटें और जूते होते हैं बने, और पर्स वगैरह बने होते हैं क्या कहते हैं कि इसके कोट से, वो हमारे हिसाब से वो जायज नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दो जानवरों का जिक्र किया गया है, दरिंदा वो दरिंदा जो दांतों से शिकार करे और वो परिंदा जो पंजों शिकार करे वो हराम है। अब आई चौथी चीज, गैर अल्लाह के नाम का ज़िबा। सूरह अनाम लिखवा सुनिए पढ़े आप क्या है, और तुम्हें क्या है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पे अल्लाह का नाम देगा। देखिए गैर अल्लाह की यहाँ पे मुफस्सरीन ने तीन बताई हैं कंडीशन, तीन सूरतें किसी जानवर को गैर अल्लाह के तकल्लुफ के लिए ज़िबा किया गया हो और ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया गया, किसी पीर साहब के लिए आ गया और वो पीर साहब के लिए किया गया और उसको ज़िबा करते वक्त पीर साहब या किसी और का नाम लिया गया, ये हराम है। दूसरी सूरत यह है कि किसी जानवर को ज़िबा किया गया पीर साहब के लिए, किसी मजार के लिए, किसी के लिए मुकर्रम हासिल करने के लिए, उसकी हिमायत हासिल करने के लिए, और उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया ज़िबा करते, ये भी हराम है। समझाइए। तीसरी सूरत यह है कि किसी जानवर को किसी भी गैर मतलब अल्लाह के तकल्लुक के, सॉरी तीसरी चीज ये कि वो जानवर जिसे पहले थे जिनको छोड़ दिया गया देवी देवताओं के नाम पे या बुतों के नाम पे, और उनको आप ज़िबा भी कर लें जब तक कि उस शख्स की मलकियत है जिसका है उसकी, तो वो भी हराम है। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये हराम है। क्यों? बुनियादी बात कि उसका मकसद अल्लाह का तकल्लुफ हासिल करना नहीं था, उसका मकसद किसी और का था, नियत कुछ और थी, तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है बिल्कुल हराम कह दिया गया। मगर अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, समझता है। अल्लाह ने यह कहा कि बहालत मजबूरी यानी फमनस्तर, जो मजबूर हो जाए, अगर मजबूर हो जाए तो इन हराम चीज को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तीन शराइत हैं, तीन शर्तें हैं कि वाकई में हालत मजबूरी की हो, कि अगर भूख और प्यास से मर जाएगा या बीमारी की वजह से खतरा है मर जाएगा और उसके पास हराम चीज के अलावा कोई चीज मुयसर नहीं थी जब उसको इजाजत है, पहली। दूसरे ये कि उसका मकसद खुदा के कानून को तोड़ना नहीं था, मकसद अपनी मजबूरी को रिजॉल्व करना था, दूसरी। और तीसरी ये सिर्फ उस हद तक खाए चंद में जिससे उसकी जान बच जाए। अगर ये तीन सूरतें हैं तो उस हलाल हराम चीज को उसके लिए यार, लेकिन उसको हलाल नहीं कहा गया, उसने आया कहा अल्लाह गफूर रहीम है, ये उसकी मगफरत है, उसने तुम्हें इजाज़त दे दी है, तुमको अल्लाह जो है माफ कर देगा, तो माफी दे देगा उस सूरत में, बशर्ते कि तीन शरायत हों। तो जैसे तो अब वो जो आपका सवाल है हमारे श्याम साहब, मतलब ये कि ये फिकही मसला है, मैं नहीं चाहता, ये मेरा मौजू नहीं है, क्योंकि ये बड़ा तफसीली बात से बयान कर चुके हैं, नदवी साहब दोबारा पूछ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, जब तक जानवर को अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के वास्ते उस तरीके से हलाल ज़िबा नहीं किया जाएगा, वो हमारी सोच के मुताबिक, हमारे समझ के मुताबिक जो है वो हराम है। किसी अब वो तफसील जो आपने बात की कि किसी और का नाम, नदवी साहब भी ज़्यादा बेहतर है इस मौजू पर बात करने के लिए, वरना हमारे उस्ताद मोहतरम रशीद साहब बयान कर देंगे बाद में, खाल इस वक्त ये मेरा ये मौजू नहीं है, ये जो फिकही मसाइल है जी। अगली आयत ये है कि इन लजीन यक्तमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, हाँ बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं, वह यश्तरून बही समनन कलीलन, और उसके बदले कीमत ले लेते हैं, वो मा यकून फी बुतूनहुम इल्ला नार, वो लोग दरअसल पेट में आग भर रहे हैं, वला यकल्लमहुल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा, वला यज़्किहुम, और उनको पाक नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखिए इससे पहले की जो आयात थी उसमें हराम चीज़ों का जिक्र था, खाने पीने का, जो महसूसात थे,
मगर यहाँ जिक्र हो रहा है जो बातनी और जाहरी अमाल है उसके बारे में है। बात यह है इसकी शरंग नजूल मुफसरीन ये बताते हैं कि यहूदी जो सरदार और उलमा ये उम्मीद रखते थे कि हमारा रसूल हम में से आएगा, जब उन्होंने देखा कि दार रसूल तो हम में से नहीं आया, दूसरी कौम से आ गया, तो उनको बहुत तकलीफ हुई। अब उनको ये डर लगा कि अगर लोगों ने उनकी किताब तौरे तो इंजील को पढ़ना शुरू कर दी और समझना शुरू कर दी तो भाई उनके तो जो नजराने और उनकी दावतें और उनके जो हदीय तोहफे तवायफ हैं वो तो बंद हो जाएंगे, हुकूमत जाती रहेगी हमारी चौधराहट। यही मसला हजरत ईसा के जमाने में हुआ था। लिहाजा उन्होंने ये किया, कोशिश की कि उन आयात को छुपाया लोगों को बनाया। तो उनमें उलमा यहूद में ये मर्ज था कि अवाम से रिश्वत लेके उनके मतलब के मुताबिक फतवे देते और तौरात की आयत में तब्दीली करके मतलब बता दें अपने हिसाब से। यहूदियों के इस तर्ज अमल पे जो जाति जो उनको मारा दौलत मिलता था, जो पैसा मिलता था, जो खजाने भरते थे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये तुम खजाने नहीं भर रहे हो, ये अपने पेट में जानवरों की आग भर रहे हो। तुम्हारी इन हरकत की वजह से तुम जहन्नुम में जाओगे, तुमसे अल्लाह बात नहीं करेगा और तुम पे अल्लाह अपनी रहमत नहीं देगा और तुम किसी तरीके से गुनाहों से पाक नहीं किए जाओगे। किताब में जो मजमून है उसको अगर आप नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं या पढ़ के नहीं सुना रहे हैं या उसका मतलब दूसरा बना रहे हैं या गलत काबिले दे रहे हैं, ये सब बातें जो हैं ये गलत हैं, ये शिर्क है और इसकी सजा बेइंतहा सख्त है। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ भी, हमारी उम्मत में भी गौर करने वाली बात है, सेल्फ असेसमेंट की बात है कि हम कुरान की तशरीह बाद अवकात सुन्नत की कुरान की बाद अपने मायने बदल के मसले के मतलब बयान देते हैं, चाहे सूद का मामला हो, हलाल है या हराम है, मतलब ये कि चाहे अल्कोहल का मामला हो, चाहे शादी ब्याह का हो, तलाक का हो, वरासत का हो, बात जगह हमको नजर आता है, हमें भी ये मर्ज किसी हद तक पाया जाता है ये, और अभी तक मतलब कि ये है कोताही जिसमें क्या कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए। असल में ये दीन फरोशी है, दीन फरोशी जो है ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, वक्ती मफाद के लिए, चाहे किसी किस्म का मफाद हो, इस टाइप की गुफ्तगू करना या बात करना या कोई ऐसी बात कह देना ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊं कि जो बात 1400 साल से नहीं भी आज तक की, मैं एक नई थ्योरी ला के मैंने पेश कर दी ताकि लोग मुझे लग जाए, मेरा ख्याल ये बात जो है जिनकी दीन फरोशी है। और इसकी 5 मिनट के बाद फिर हम अगर आप मुनासिब समझें मेरा ख्याल तो खत्म हो गई, मैं कर रहा हूँ भैया ठीक है। यही बात वही जो मैंने बात की उसी कंटिन्यूशन है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। तो इस आयत में यहूदी उलमा से कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया बख्शिश लेने की, उन्होंने अजाब खरीद लिया है। तो यहाँ भी हमारे वहाँ भी कुछ ऐसी है, बखौल मौलाना मदनी साहब के ये उनका बयान है कि हम लोगों में जितने गलत तोहमात फैले हैं और बातिल रस्मों और बेजा पाबंदियों की जो नई नई शरह ये बन गई हैं, इन सब की जिम्मेदारी उन उलमा पर है जिनके पास किताब लाइक इल्म था मगर उन्होंने अवाम तक उस इल्म को नहीं पहुँचाया, और उनके बड़ा हौसला बड़ी हिम्मत है, वो तैयार हैं जानवरों की आग बर्दाश्त करने के लिए। आखिरी बस इसकी सूरत आदि है ये कि ये सजा उसके लिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब उतारी, बिल्कुल वाज़ह किताब उतारी, और मगर उन्होंने इख्तलाफात जो हैं वो करना शुरू कर दिए थे। तो बुनियादी बात ये है कि अल्लाह की किताब में अपने मफाद के लिए तब्दीली करके बयान करना, गुमराह करना जो है वो क्या कहते हैं सही नहीं है। श्याम साहब मैं खत्म कर लूँ देता हूँ आपको। देखिए खुलासा जो है बस इस रुकू का, हलाल को हराम मत करो, जो तुमको अल्लाह ने दिया है हलाल दिया है खाओ और उसका शुक्र अदा करो, और सिर्फ हलाल खाओ। उसने बता दिया क्या क्या चीज़ें हराम में मना है, बड़ा वाज़े अवेलेबल है कुरान में सुन्नत में तफसील के साथ क्या हलाल है क्या हराम है। और आखिरी बात यह है कि अपने मफाद के लिए
पुरानी आयात में गलत बयानी करना, छुपाना, तब्दील करना बुरा है, तहरीर और तहरीर गलत है, इसकी पाबंदी है और सख्त सजा है। मैं बताइए कि मैंने इतनी गुफ्तगू की, ये मुख्तलिफ तफासीर से मैंने रहनुमाई ली थी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, जिसे मैं कहता हूँ कि हासिल गुफ्तगू क्या है या टेक अवे क्या है, और ज़रूरी नहीं कि गुफ्तगू सही हो। मैं ये समझता हूँ इस रुकू में एक हमारे लिए एक मौका है सेल्फ असेसमेंट का, खुद इंसाफ का। हम अपने आप से पूछें, अपने आप से मालूम करें दो बातें, क्या हमारा रिस्क खाना पीना पहनना कमाना अश इस्तेमाल करना गाड़ी मकान बंगला शंगला सो गए, क्या ऐसे भी हलाल हैं, क्या हमने उसको हलाल तरीके से हासिल किया, क्या हमने किसी की तलफी तो नहीं की, क्या हमने कोई चोरी तो नहीं की, क्या हमने कोई काम में बेमानी तो नहीं थी, हमने 8 घंटे काम करना था 6 घंटे काम किया। ये हमारे लिए अपने लिए सवाल है, जो ये रुकू हमको बताता है कि अपना असेसमेंट कर लें कि क्या हमारे इतने रिस्क हैं। जो मैंने कहा रिस्क सिर्फ खाना नहीं है, तमाम आशाशे जो हैं हालात तरीके से आई ही नहीं है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, क्या अपने जबान मुँह डालें पूछें, क्या हम अपने मफादात और सहूलत के लिए मजीद तालीमात में अपने अंदाज की तशरीह करते हैं या सुनना चाहते हैं, जाते हैं उस मौलवी के पास जो हमको बता दें हमारे मतलब कुछ। ये दो लेसन है मेरे हिसाब से इस रुकू के अंदर, कि अगर हम इस पर तवज्जा दें तो हमारी, और अगर हमें कहीं कोताही है तो अल्लाह ने बताया जरिया तौबा कर लें, तौबा करने के माने अल्लाह से माफ़ी मांग लें और आइंदा ना करने का तहिया कर लें। तो अल्लाह बहरहाल मैं सिर्फ इस पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और आखिरी बात क्योंकि हमने इल्म हासिल किया है इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तैयबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ व कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। तक अल्लाह, बस मैं ऐसे।